गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोना डू एनसीईआरटी क्लास 10th का, सीबीएसई क्लास 10th का आर एनवायरनमेंट का क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, ये सीरीज जो है हमने लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी, इसमें जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं हम लोग उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड यस ऑन द 9th एंड 10th चैनल, ताकि कोई भी बच्चा कभी भी सॉल्यूशंस ढूंढे तो उसको मिल जाए। ओके, एंड टुडे वी आर गोना डू पेज नंबर 262 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ग्रेट, तो गाइस वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन है, वेयर वी प्रोवाइड ट्यूशंस, वेयर वी प्रोवाइड ट्यूशंस फॉर क्लास, यस गाइस, 10th। आप आके ज्वाइन कर सकते हो, इट्स अमेजिंग। ओके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेरी गुड, लेट अस डू द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन है गाइस, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है बेटा, बताओ, विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाई, यस, विच कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाई बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, जो उसको तोड़ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये प्लांट है, प्लांट किस चीज़ का बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं चीज़ों का बना है। अब ये प्लांट मर जाता है तो ये बैक्टीरिया इसको तोड़ के, वापस तोड़ के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बना देंगे, सो दैट दिस कैन बी यूज बाई न्यू प्लांट्स, so that these nutrients can be used by the other plant, that is biodegradable. Then there is guys non-biodegradable, इसमें क्या होता है, they cannot be broken down, मतलब polythene हो गया, ठीक है, polythene is also made up of this thing, carbon, hydrogen, you know, nitrogen, oxygen or other chemicals, but it cannot be broken down into constituents, so it cannot be used by the other organisms again. Are you getting my point? Also, what they do is they cause pollution. As they cannot be used back, क्योंकि वो use नहीं हो पाते, तो क्या होता है बेटा, they stay in the environment, they block pipes, और आजकल तो they, you know, polythene bags, एक whale थी जिसके अंदर tons, can you imagine guys, tons, मतलब 1000 kgs of plastic was found, that is the harm of non-biodegradable substance, ठीक है, substance that can be broken down by biological process are called as biodegradable, है ना, यस, डीकंपोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, व्हाट डू, दे ब्रेक इट डाउन, हाउएवर सब्सटेंसेस, यस, व्हिच आर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन आर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, दीज कैन नॉट बी डिग्रेडेड, है ना, एंड दे स्टे इन द एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड कॉज पोल्यूशन। बेटा देखो, जो भी एनवायरमेंट चीज है ना, उसको डीकम्पोज होकर वापस न्यूट्रिएंट्स बनाना पड़ता है, ताकि दे कैन बी यूज्ड बैक, समझ रहे हो, आप ले जा रहे हो बट कुछ दे नहीं रहे हो वापस। एनवायरमेंट इन मेड इज लाइक अ सच अ वे, एक साइकिल होती है, ठीक है, साइकिल होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यूट्रिएंट्स लिए सॉइल से, मैं बन गया, फिर व्हेन द पर्सन डाइज द न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, बट इफ यू आर टेकिंग इट अवे एंड नॉट गिविंग बैक, तो व्हाट विल हैपन, द अर्थ विल डिप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट, मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। पहली बात बेटा, जब भी आपने देखा डीकम्पोजिशन हो रहा था ना, जब भी डीकंपोजिशन होता है, देयर इज अ फाउल स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, व्हाट हैपेंस इज, इट इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मस्कीटोज, जो ये करेंगे बाद में जाके हमें डिसीज कॉज करेंगे, ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज लिटिल बिट डेंजरस। The substance foul smell because of harmful gases are released, which can be a problem to the man. It provides breeding ground for mosquitoes, है ना, which are responsible for disease like cholera, diarrhea वगैरह cause करता है, malaria भी cause हो सकता है ना। आपने देखा ना, कूड़ेदान में बहुत ज्यादा मक्खियां, मधुमक्खियां होती हैं, मक्खियां, मधुमक्खियां नहीं कह रहा, मक्खी, mosquitoes रहते हैं वहां, है ना बेटा। Very good. One more question. Give any 2 ways in which non-biodegradable substances would affect the environment. Non-biodegradable substances, कैसे, मैंने बताया था अभी, pollution cause करेंगे, water pollution, है ना, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन भी कर सकते हैं, है ना बेटा, ऑन व्हेन दे आर बर्नड इवन कॉज एयर पोल्यूशन, बट डायरेक्टली तो वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं, और क्या करते हैं, यस, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, यस गाइस, ये कैन कॉज स्किन एंड रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ऑल्सो, स्किन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो बर्न करते हैं उसको, है ना बेटा, यस, दे डू नॉट डीकंपोज इजिली एंड स्टे इन द लैंड और वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे आर मेड अप ऑफ गाइस केमिकल्स लाइक BHC, DDT, ये क्या गाइस, दीज आर हार्मफुल केमिकल्स फॉर द बॉडी,
ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है. इफ यू बर्न दीज केमिकल्स और कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज केमिकल्स यू कैन गेट कैंसर ऑल्सो. अब पूछोगे सर इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म इज नॉट नेसेसरी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट फोकस ऑन द फैक्ट कि इट इज हार्मफुल एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेड फ्रॉम दिस. तो दैट इज वाई इट इज वेरी डेंजरस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंजर इज गाइस वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, है ना, देन दे कैन यू नो हार्म बायोडाइवर्सिटी, दे कैन हार्म बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो. कूल, ग्रेट. तो यस गाइस, दैट्स इट. आज हमने तीन क्वेश्चंस करे वेदांतों पे. गाइस ट्यूशंस आर हैपनिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर क्लास टेंथ ट्यूशंस वेदांतों के ऐप पे अमेजिंग ट्यूशन होती है. आई टीच, अभिषेक सर टीच, हर्ष सर टीच, अनुभव मैम, अंकना मैम, श्वेता मैम, एवरीवन इज टीचिंग. गाइस यूज द कोड बिलो AR प्रो एंड यस गाइस मेक यूज ऑफ इट. यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम आई डी इज amrit_rj. यस गाइस, रीच आउट टू मी ऑन amrit.raj@vedantu.com. कीप स्माइलिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.